हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना फोन पे अकाउंट को दोस्तों किस तरह मिनटों में, चुटकियों में अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके दोस्तों क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी लोग अभी भी फोन पे नहीं इस्तेमाल करते, और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपको अपनी ज़िंदगी आसान बनानी है थोड़ी सी भी, तो आपको फ़ोन पे का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और आपको फ़ोन पे का यूज़र आपको बनना ही पड़ेगा। उदाहरण तौर पे मैं बता दूं, आप अपने बिजली का बिल, फोन का बिल, डीटीएच रिचार्ज, ब्रॉडबैंड का बिल, अपने स्कूल की फीस, किसी भी शॉप से आप सामान लेते हैं वहां का पेमेंट, ये सब आप फोन पे से कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट पर अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो भी आप फोन पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक कि अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चे को या किसी को भी अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं तो भी आप फोन पे के थ्रू डायरेक्टली भेज सकते हैं। फोन पे दोस्तों एक बहुत ही अच्छा पेमेंट ऐप है, जो कि आपके मोबाइल पर ही आपके बैंक से दोस्तों कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, ये इजीली उससे कनेक्ट हो जाता है, और समय समय पे दोस्तों आपको ऑफर्स और कैशबैक भी आपको फोन पे पर मिलते रहते हैं। तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो जाता है और बहुत ही जरूरी ऐप है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहे इस लिंक से, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और पिंड कमेंट में भी, ये दोस्तों ये लिंक मैं दे रहा हूं, यहां पे आपको क्लिक करके आपको अपना फोन पे ऐप को इंस्टॉल करना है। इस लिंक पर दोस्तों क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे स्क्रीन पर, और दोस्तों यहां पे इंस्टॉल पे आप टच कर देंगे। देख सकते हैं आप दोस्तों, फोन पे हो गया इंस्टॉल, और पहली बार स्क्रीन कुछ इस तरह की खुल के आएगी। दोस्तों मैं मान के चल रहा हूं कि आप पहली बार अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके दोनों सिम के नंबर, अगर आपके फोन में अगर दो सिम है तो इस तरह दिखाने लगेगा। आपको वही अकाउंट दोस्तों सेलेक्ट करना है जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो मैं अपना सेकंड वाला नंबर, देखिए नीचे वाला नंबर मैं अपना सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा। ये कुछ परमिशंस मांग रहा है कि एसएमएस भेजेंगे और एसएमएस पढ़ेंगे, तो वो आपको अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि ओटीपी वगैरह आता है तो ये ऑटोमेटिक उससे पढ़ सके। तो यहाँ पे अलाउ दोस्तों हम करते हैं, और देखिए तुरंत ये एंटर 5 डिजिट ओटीपी सेंड टू माई नंबर, और देखिए ओटीपी ऑटोमेटिक आया, ऑटोमेटिक इसने डिटेक्ट कर लिया, आप लॉग इन हो चुके हैं, फोन पे अकाउंट दोस्तों बन गया है। बस यही होता है फोन पे अकाउंट बनना, लेकिन अब इसको बैंक से कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो यहां पे देखिए एक और परमिशन मांग रहा है, अलाउ फोन पे टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स, मतलब आप अगर अपने किसी जानने वाले के फोन नंबर के थ्रू अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं, क्योंकि आजकल सारे जो खाते हैं वो फोन नंबर से अटैच होते हैं, तो सीधे आपके दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा जा सकता है। तो यहां पे ये 2-3 परमिशन मांग रहा है, अलाउ कर देते हैं। यहां पे एनेबल दोस्तों स्क्रीन लॉक पूछ रहा है, तो इसे मैं इस समय डू इट लेटर में कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पहला बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, ये इस तरह आपको दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला काम ऐड बैंक अकाउंट यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे टच भी करके जा सकते हैं, या देखिए दोस्तों नीचे से चौथा ऑप्शन माय मनी का दिख रहा है, यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे यूपीआई बैंक अकाउंट्स यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है पेमेंट मेथड्स के नीचे, और यहाँ देखिए पूरा ये पोर्शन खाली है, मतलब ऐड न्यू बैंक अकाउंट अभी कोई भी, क्योंकि ये फ्रेश अकाउंट में आपको दिखा रहा हूं, तो कोई भी बैंक अकाउंट इसमें ऐड नहीं है। चलिए मैं चलता हूं बैक, और वहीं होम पेज वाले ऑप्शन से ऐड बैंक अकाउंट कर देता हूं, या वहां से भी हम लोग कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, दोनों एक ही जगह पर ले जाएगा। तो मैं कर देता हूं इसे ऐड बैंक अकाउंट। अब मुझे अपना बैंक अकाउंट जिस बैंक में है उस बैंक का नाम दोस्तों मुझे सेलेक्ट करना है, तो मेरा है दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, और देखिए दोस्तों यहाँ पे अल्फाबेटिकली आ रहे हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें वही मोबाइल नंबर अपना सेलेक्ट करना है जो मेरे बैंक में दोस्तों रजिस्टर्ड है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ अपना बीएसएनएल वाला नंबर, यहाँ कर देते हैं कंटिन्यू। अब दोस्तों ये एक एसएमएस भेजेगा मेरे बैंक में और वेरीफाई करेगा कि यही नंबर रजिस्टर्ड है कि नहीं, और फिर मेरे बैंक की डिटेल्स यहाँ पे अभी दिखने लग जाएंगी। देखिए दोस्तों एसएमएस चला गया है और ये वेरीफाई हो जाना चाहिए। देखिए फेचिंग योर बैंक डिटेल्स, और देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा जो है पेटीएम वाला बैंक अकाउंट यहाँ पे पूरा देखने लग गया है। अब यहाँ पे जब आप पहली बार करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है सेट भीम यूपीआई पिन। अब यूपीआई पिन क्या दोस्तों, यूपीआई पिन आपका 4 अंकों का जो है वो एक तरह का पासवर्ड होता है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि आपके एटीएम कार्ड का पासवर्ड होता है।
तो एटीएम कार्ड में आप क्या करते हैं, जाके एटीएम मशीन में कार्ड लगाते हैं, अपना 4 डिजिट का या 6 डिजिट का पिन डालते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब भी आपको फोन पे में यूपीआई के थ्रू अगर आप पेमेंट आप करना चाहते हैं तो आपको ये पिन की आवश्यकता पड़ेगी। ये जरूरी नहीं कि आपके एटीएम कार्ड वाला ही पिन हो, ये अलग भी हो सकता है और सेम भी आप रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए सेट भीम यूपीआई पिन आ रहा है, इस पर हम टच कर देते हैं। यहाँ दोस्तों देखिए हम मुझसे बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड का आखिरी के 6 अक्षर पूछ रहा है, वैलिडिटी डेट पूछ रहा है, तो ये मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा ताकि मैं वेरीफाई कर सकूँ कि ये अकाउंट मेरा ही है। तो चलिए मैं ये डाल देता हूँ, वैलिडिटी का दोस्तों डेट और मंथ मैंने डाल दिया है और कंटिन्यू पे दोस्तों टच कर देते हैं। कंटिन्यू पे टच करते दोस्तों एंटर ओटीपी, डिटेक्टिंग ओटीपी लेके आ रहा है। अगर ओटीपी डिटेक्ट कर लेता है और यहाँ पे खुद ही टाइप कर देता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो आप एसएमएस खोल के यहाँ पे 6 अंकों का ओटीपी जो भी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों ओटीपी आ गया है और अब मैं सेट यूपीआई पिन पे मैं टच कर देता हूँ और यहाँ पे 4 अक्षर का अपना यूपीआई पिन मैं सेट कर देता हूँ। ये मैं ही सेट कर रहा हूँ, जब भी पेमेंट करना होगा यूपीआई के माध्यम से इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ऐसा रखेंगे जो आप याद रख पाए। टिक पे दोस्तों टच कर देते हैं और दोबारा जैसे ही टिक पे टच किया तो दोबारा कंफर्म यूपीआई पिन यानी सेम पिन आपको दोबारा फिर से डालना है। 2 बार इसलिए कंफर्म कराते हैं कि अगर आपसे गलत टाइप हो गया बाई चांस एक बार तो वो चेक कर ले। तो इस पे टिक पे दोबारा दोस्तों टच कर देते हैं और देखते हैं सेट हो जाना चाहिए। देखिए दोस्तों भीम यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट, अब पिन दोस्तों सक्सेसफुली सेट हो गया है और यहाँ पे देखिए मेरी यूपीआई आईडी भी दिख रही है, मेरा मोबाइल नंबर @YBL। अब दोस्तों कभी भी आप अगर भूल जाए तो रीसेट यूपीआई पिन का भी ऑप्शन आ रहा है, दोबारा से आप अपना डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालेंगे तो आप अपना फिर से यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं कह सकते हैं। अब दोस्तों तो देखिए यहाँ पे चेक अकाउंट बैलेंस आ रहा है, चेक अकाउंट बैलेंस पे टच करेंगे और देखिए पिन का ऑप्शन आ गया, पिन डालेंगे जो भी हमने सेट किया था और टिक पे दोस्तों टच कर देते हैं। टिक पे टच करते ही यहाँ पे बैलेंस जो है वो दिखा देगा, देखिए बैलेंस आ गया स्क्रीन पे, इसे यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब इसे यहाँ पे डन कर देते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों एक अकाउंट यहाँ पे दिखने लग गया, ठीक है, ये अकाउंट मेरा अभी तक ऐड नहीं था तो मैंने आपको एक फ्रेश ऐड करके दिखाया। अब मैं आपको दूसरा अपना एक अकाउंट जो ऑलरेडी पहले ऐड था, जो ऑलरेडी पहले फोन पे में था लेकिन फिलहाल मैंने हटा दिया था आपको दिखाने के लिए, तो उसको मैं फिर से ऐड करके मैं दिखाता हूँ। तो ऐड न्यू बैंक अकाउंट करते हैं, यानी कि आप मल्टीपल बैंक अकाउंट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके कई बैंक में खाते हैं लेकिन एक ही मोबाइल नंबर से हैं तब, अगर दूसरे मोबाइल नंबर से हैं तो आपको दोबारा लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में है मेरे खाते, तो मैं उसको ऐड करके मैं दिखा देता हूँ आपको और देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के तुरंत उन्होंने सक्सेसफुली दोबारा से लिंक कर लिया। इसमें ओटीपी वगैरह पिन में मुझसे इसलिए नहीं सेट कराया गया क्योंकि ये मैं पिन पहले ही से इन अकाउंट में मैं सेट कर चुका था। तो बस मैं डन कर देता हूँ और देखिए मेरे 3 अकाउंट यहाँ पे दिखने लग गए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं 4 बैंक अकाउंट सेट हो गए। अब मजे की बात यह है इसमें आप डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट का मतलब आप नॉर्मली हमेशा किस अकाउंट से बाय डिफॉल्ट पेमेंट करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा वाले से करता हूं तो मैं यहां पे बस टिक लगा दूंगा। दोस्तों आर यू श्योर यू वांट टू चेंज योर डिफॉल्ट बैंक अकाउंट, यस। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब मैं आपको एक पेमेंट किसी को भी पैसे में भेज के दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करता हूं, यहां मैं आ जाता हूं होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं आप यहां पर आ रहा है टू कॉन्टैक्ट, यहां पर यानी किसी कॉन्टैक्ट को आप पैसे भेजना चाहते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अब मैं यहाँ पे कुछ एक टेस्ट अमाउंट आपको भेज के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप टाइप कर देंगे अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए सारे बैंक अकाउंट दिख रहे हैं। तो चलिए मैं पेटीएम से इस बार भेज के मैं दिखाता हूँ। इसे मैं करता हूँ कंटिन्यू और यहाँ पे मैं करता हूँ सेंड। अब आप आ जाएंगे अपनी पिन वाली स्क्रीन पर दोस्तों, मैं अपना डाल देता हूँ 4 अक्षर का अपना पिन। ये पिन आपका दोस्तों 6 अक्षर का भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका बैंक कौन सा है, कुछ बैंकों में ये 6 अक्षर का होता है। बस दोस्तों टिक पे टच कर देता हूँ, देखिए पैसे तुरंत अभी चले जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों इस तरह की आपको म्यूजिक मिलेगी। अब यहाँ पे रेटिंग ले कह रहा है, मैं कह देता हूँ इसे डू नॉट शो अगेन और क्लोज इसे कर देता हूँ। और दोस्तों देखिए पेमेंट दोस्तों चला गया है। तो अब इसको देखेंगे कैसे कि बाद में कभी गया कि नहीं गया, जैसे कई सारे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे तो जिस तरह आप बैंक में पासबुक अपनी देखते हैं, तो हिस्ट्री पे दोस्तों यहाँ पे टच करेंगे, देखिए सारे पैसे जो आए और गए वो यहाँ पे सारे दिखते जाएंगे इस तरह से।
तो काफी आसान है दोस्तों, फोन पे अकाउंट क्रिएट करना, फोन पे अकाउंट को यूज करना। आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको फोन पे ही का यूज करके मैं मोबाइल रिचार्ज, बिजली का बिल जमा करना वगैरह वगैरह मैं आपको दिखाता रहूंगा। एक ही वीडियो में मैं अगर ये सब दिखाऊंगा तो वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप काफी ज्यादा बोर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, स्क्रीन पे दोस्तों लिंक आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, पिंड कमेंट में लिंक आ रहा है, वहां पे आप क्लिक करेंगे सीधे फोन पे को इंस्टॉल करेंगे और इसी तरह सारा प्रोसेस होगा। आप अपना बैंक का अकाउंट जो है इससे कनेक्ट कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं किसी को भी। तो दोस्तों आशा करता हूँ फोन पे अकाउंट कैसे बनाएं ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा और हमेशा की तरह आपके लिए काफी ज्यादा काम करा होगा। अगर आपके लिए वीडियो काम करता तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे दोनों चैनल्स टेक्नो तपन और तपन गुप्ता दोनों को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज अक्सर लेकर के आता रहता हूँ। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।